एशिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? एशिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? एशिया का नंबर वन स्टूडेंट कौन है? थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, मैं से टेलीकॉम से दुर्गेश और हमारे पास कुछ स्टूडेंट खड़े हुए हैं और हमारे साथ हैं सर। yes. तो ये क्यों खड़े हैं? क्योंकि आज इनका फेयरवेल है। ये फर्स्ट डे से लेकर के अभी तक इनका कैसा रहा ओवरऑल, आगे जाके इनकी प्लानिंग क्या है, ये सब हम कुछ पूछने वाले हैं। शुरू से लेकर अभी तक इनका सफर कैसा रहा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मिम्सी का, तो ये सारे स्टूडेंट से हम पूछने वाले हैं एक एक करके। और ये इनकी प्लानिंग क्या है, यहाँ से जाने के बाद ये क्या करेंगे, तो चलिए बताइए थ्रू आउट फर्स्ट डे से लेकर अभी तक कैसा रहा? नमस्कार सर जी, आपका नाम और कहाँ से? मैं विनोद नेपाल से सर। आपका नाम? सुनील नेपाल से सर। आपका? संदीप नेपाल से सर। ये तीनों स्टूडेंट नेपाल से हैं, तो सबसे पहली चीज बताइए इंडिया आने में कोई दिक्कत आप लोगों को? नो सर, दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत हुई नहीं हुआ सर। और यहाँ पे जो हमारा कॉलिंग सपोर्ट है आपको आने तक कोई दिक्कत हुआ? नहीं सर, नहीं हुआ। चलिए ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा हार्डवेयर का कैसा सफर रहा सर के साथ? काफी बढ़िया रहा सर, जो सोचा नहीं था उससे भी ज्यादा मिल गया। ज्यादा मिला। फिर सॉफ्टवेयर का सफर कैसा रहा आपका? सॉफ्टवेयर तो और अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, इजीली समझ गया मैं। फिर मिलन सर के साथ आपकी क्लास थी, तो मिलन सर के साथ ब्लैक पेस्टेड हो और डुअल टेकर हो और प्रोग्रामिंग की क्लास कैसी रही? बिल्कुल इजीली समझा दिया, मतलब काफी टफ लग रहा था पहले, कैसे करूंगा सोच रहा था मैं, पर इजीली समझा दिया मिलन सर ने। ओके चलिए, आपका कैसा रहा सफर हार्डवेयर का? बहुत अच्छा रहा सर, जो सोच के आए थे वो सब सपना पूरा हो गया लगता है, अब तो वही सोच आता है मुझमें। अच्छा, उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर का सफर कैसा रहा? वो भी बहुत बढ़िया सर ने, एक एक जो यहाँ के जो रिस्पेक्टेड टीचर है सब, हर एक छोटी सी छोटी बात हमें पूरा दिमाग में डाल के छोड़ते हैं हमें। फिर मिम्सी क्लास हुई मिलन सर साथ, फिर कैसा रहा? वो तो और बढ़िया रहा सर, बहुत बढ़िया रहा। ब्रेकफास्ट जैसे हलवा बोलते हो गया? हाँ हो गया सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम मिलन सर पूछेंगे क्या है? तो हमारे साथ और एक स्टूडेंट से हैं, ये भी नेपाल से हैं, मैं इनसे भी पूछता हूँ थोड़ा बहुत क्या सीन है। आप शुरुआत से डे वन से लेकर अभी तक आने में, मतलब आने के बाद यहाँ पे लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम हुआ? नहीं सर, लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी बात मैं आपने ये पूछना चाहता हूँ कि देव सर के साथ जो डेट सेक्शन हुआ आप तो कितने दिन, अच्छा मैं ये पूछना चाहता हूँ आप कितने दिन से काम करते थे? मैं तो सर पहले पाँच साल से काम कर रहे हैं, 5 बरस से काम कर रहे हैं, मतलब 5 साल से काम कर रहे हैं ये। और डेट सेक्शन में कितना फंसते थे? बहुत ज़्यादा सर, हम तो डेट सेक्शन उठा ही नहीं सकते थे। तो अभी जो अपने देव सर के साथ क्लास की है, डेट सेक्शन के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देव सर के लिए बोलने की कुछ शब्द नहीं। डेट सेक्शन कैसा रहा आपका? बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज़ सर, उसके बाद आपने पूरी हार्डवेयर देव सर के साथ अटेंड किया, उसके बाद आपने दुर्गे सर के साथ अटेंड किया, दुर्गे सर का सॉफ्टवेयर पढ़ाने के तरीका और समझाने के तरीका कैसा रहा? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उसके बाद हमारे साथ मिले ईएमएमसी और पेस्टेड आईसी के साथ डुअल टेकर की आईसी, जितने भी एनबी सीपीयू है वो सारे काम कैसा रहा आपका? बहुत बढ़िया सर, वो ब्लैक पेस्टेड वो ईएमएमसी निकालने अलवा बन गया सर। अभी सारा जो ईएमएमसी में आपने चेंजिंग वगैरह वगैरह आई मेरे पेयर भलाना निकालना जो भी है सारा चीज आपने लाइव देखे हैं? यस सर। आने वाले नेपाल से स्टूडेंट अगर कोई आना चाहिए तो क्या बोलना चाहेंगे? बेफिकर आइए। आप क्या बोलना चाहेंगे? बेफिकर मन में कोई आप क्या बोलना चाहिए? जिसको नॉलेज लेना हो इजीली आ सकता है। थैंक यू वेरी मच आप सबको, और आशा करता हूँ आप नेपाल में जाके बवाल मचाएंगे मोबाइल रिपेयरिंग के फील्ड में। एशिया टेलीकॉम आपके साथ लाइफ टाइम जुड़ा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।